जीवन के किसी मुकाम पे अगर तुम असफल हो भी जाते हो तो उस समय के हालात से संधि कर लो, मतलब समझौता कर लो। और जो असफलताओं के कारण बनते हैं, पहला कारण ये बनता है कि ग्रह आपके फेवर में नहीं रहता है, क्योंकि लक नाम का एक वर्ड होता है जो ग्रहों के अनुसार ही चलता है। और दूसरा, कुछ आपके जीवन में भी कमियां या गलतियां रह जाती हैं। तो आप कंटिन्यू अपने मेहनत को करते रहिए बरकरार। जब ग्रहों की स्थितियां होंगी अच्छी तो निश्चित तौर पे जो है आपको मिल जाएगा उस समय सफलता, और आप जो है जीवन में पहले से बेहतर बन के उभरिएगा और निश्चित तौर पे सफलता की सीढ़ी पे भी चढ़िएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले फेब्रुअरी माह का आपका संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि फेब्रुअरी माह में क्या क्या आपके साथ घटित होगा, किस प्रकार के ग्रहों के चाल आपके कर्म क्षेत्रों को बदलेंगे, आपके करियर का, आपके धन का, आपके प्रेम संबंध, आपकी संपत्ति, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका ऋण, इन सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों पे अलग अलग पार्ट बाय पार्ट में बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और साथ में ग्रहों के गोचर में क्या परिवर्तन होगा यह भी बताऊंगा। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो यह राशिफल रहता है यह लग्न पे ही आधारित होता है। अगर आपको आपका लग्न पता है, यानी पत्रिका का पहला जो 3 नंबर होता है वही लग्न होता है, यानी आपका मिथुन लग्न है तो लग्न कुंडली में 3 नंबर से ही शुरुआत होगा। तो आप लग्न के ही आधार पे मेरी भविष्यवाणी को देखिए। आपको लग्न अगर नहीं पता है तो आप मेरी भविष्यवाणी को अपनी नाम राशि से या फिर चंद्र राशि के से भी देख सकते हैं, भविष्यवाणियां सटीक ही बैठेंगी। तो प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, शुरुआत करता हूं फरवरी माह में ग्रहों के कुछ महत्वपूर्ण चाल के बारे में और बढ़ते हैं प्रत्येक कर्म क्षेत्रों में क्या रहने वाला है आपका पूरे महीने का हाल। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सबसे पहला बात, माह का शुरुआत लग्न के मालिक बुध के साथ होगा जो केंद्र अधिपति राज्यों की स्थिति को बनाने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंगल अपनी राशि में 22 फरवरी तक रहेगा मेष में, तो 22 फरवरी तक आय की संभावनाएं बढ़ेंगी और 22 फरवरी तक कर्ज के मुक्ति हेतु कुछ अच्छे निर्णय अपने जीवन में आप लीजिएगा। 12 फरवरी से सूर्यदेव यानी जो ग्रहों का राजा है यह 8वें घर यानी मकर राशि को छोड़ करके भाग्य स्थान यानी कुंभ राशि में 12 फरवरी से विराजमान होंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ के योग भी दिलाएंगे। जिनको उच्च शिक्षाएं प्राप्त करनी है उसके लिए यह समय लाभकारी देखने को मिलेंगे। बुध जो है यह 4 फरवरी से वक्र अवस्था में होकर के कुंभ राशि से पीछे आकर के 8वें घर यानी मकर राशि में आ जाएंगे, यानी निश्चित तौर पे पूरा महीना आपको जो है संघर्षमय खास करके संपत्ति के मामले में देखने को मिलेगा और मानसिक अस्थिरताओं का थोड़ा सा आपको दौर भी गुजरेगा, क्योंकि लग्न के मालिक बुध जो है या वक्री रहेंगे। तो आपको इस समय मन की शांति बना के रखनी चाहिए पूरे महीने 4 फरवरी से, और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट दिखाइएगा, ज्यादा बलर बलर बोलने का प्रयास कीजिएगा तो फिर जीवन में हो जाइएगा लो इंटरनेट कनेक्शन के जैसा बफरिंग। इसीलिए आपको पूरे महीने जो है रहना पड़ेगा शांत और धैर्य से। 21 फरवरी से दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, जो बहुत ही शुभ और संजोग और लाभकारी रहेगा, यानी
कर्ज की मुक्ति, विदेश यात्रा से संबंधित बहुत ही लाभ के योग बनेंगे। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी देखने को मिलेगा, जो अत्यंत शुभ और लाभकारी है। और बुधादित्य योग में सरकारी कर्म क्षेत्र वालों को लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो चलिए प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, फरवरी माह में पार्ट बाय पार्ट शुरुआत करता हूं आपके कर्म क्षेत्रों का। कर्म क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति अस्त भी है और नीच भंग राज्यों की भी स्थिति में बने हुए हैं, यानी नए व्यापार के लिए और नए नौकरियों के लिए थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। थोड़े बॉस से मतभेद की स्थितियां बनेंगे। आपके सीनियर या व्यापार में आपके कंपटीटर आपको थोड़ा मानसिक तनाव देने का प्रयास करेगा, तो आपको पूरे महीने शांत रहना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सीए है, सीएस है, अकाउंट है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वक्ता है या प्रवक्ता है, या जुडिशियल में लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो व्यक्ति दलाली के कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने बहुत ही संघर्ष और स्ट्रगल का योग बनने को दिख रहा है। तो जो भी आपके पहले के कस्टमर्स है या जो व्यक्ति पहले से इन सभी कर्म क्षेत्रों में यानी नौकरियों में विराजमान है, आप मत लीजिएगा कोई रिस्क, हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए पूरे महीने आपको शांत रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और धन के खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता हूं, मेरा काम बताना है, लास्ट में उपाय तो अवश्य बताएंगे हम। जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, जो सरकारी नौकरियों का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल कपड़ों से रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी बिस्किट्स वगैरह फूडिंग काम से रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड, मतलब फूडिंग में तो बहुत सारे आते हैं, जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट्स और कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों में है या डॉक्टर है, 12 फरवरी के बाद आपका समय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले लाभकारी और राज्यकारी योग देखने को मिलेंगे। आप सभी क्षेत्रों को सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ भी मिलेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। आपके मित्र और आपके रिश्तेदार भी आपको यह महीने आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, सेना, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरशिप्स, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, गैस के संबंधित कर्म क्षेत्रों में, या फिर जमीन खरीद के बेचना या प्रॉपर्टी के दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 22 फरवरी तक का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। 22 फरवरी के बाद संघर्ष देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 22 फरवरी तक आप जो भी पैसे कमाते हैं उसको बचा के रखिएगा। 22 फरवरी के बाद आपके जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा, तो आप हो जाइएगा सावधान, गड़बड़ किसी भी हाल में मत करिएगा और क्रोध पे रखिएगा नियंत्रण, और कर्ज भी इन क्षेत्र वालों लोग आप मत लीजिएगा। जो लोहा से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, पुरातत्व विभाग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाहन, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़े का व्यवसाय, ट्रांसपोर्टिंग, और जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके शनि हैं तो अस्त, जो 12 फरवरी तक रहेंगे अस्त। क्यों? क्योंकि सूर्य तो कर दिए हैं उसको अस्त। तो आप सभी के लोगों को 12 फरवरी तक रहेगा संघर्ष, रहेगा स्ट्रगल, तो आप रहिए 12 फरवरी तक निश्चित तौर पे सावधान। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फैशन डिजाइनिंग में जो बुटिक्स वगैरह खोल करके रखे हैं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं,
आपका समय 21 फरवरी के बाद मन चंगा तक कठोटी में गंगा वाला हाल रहेगा। हालांकि 4 फरवरी से बुध जो है 21 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र और बुध साथ में रहेगा तो थोड़ा सा कम संघर्ष रहेगा, लेकिन 21 फरवरी के बाद तो बल्ले बल्ले है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हैं 21 फरवरी तक सोच सोच करके और अच्छे डिसीजन और अच्छे निर्णय को लीजिएगा। अकबका करके ना नौकरी में परिवर्तन करिएगा और ना अकबका करके व्यापार में परिवर्तन करिएगा। मतलब सीधा कहने का अर्थ यही है मेरा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कि इन सभी क्षेत्र वाले जो भी हैं 21 फरवरी तक रहिए सावधान, ज्यादा उछलने का कोशिश मत करिएगा। ग्रहों का समय ही आपके कर्म को आगे बढ़ाता है और कर्म को घटाता है। मैं बोलता तो बहुत ही क्लियर हूं पर क्या करें, आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके का बोलेंगे ही नहीं तो आप समझते नहीं बात को। अब डराना तो है नहीं मुझे, लेकिन बुरा वक्त से बचाना तो है ना, इतनी तो अथॉरिटी दे रखे हैं ना, तो हक है तो बोलते हैं। हर समय तो बटर लगा के नहीं ना बात कर सकते, ज्यादा बटर भी तो शुगर पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है ना। इसके अलावा जो भी व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 21 फरवरी के बाद निश्चित तौर पे बल्ले बल्ले ही देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, जुडिशियल, खाद बीज, खेती के रिलेटेड प्रोडक्ट, डॉक्टर, खास करके मैनेजमेंट, खास करके MBBS और BDS, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति नए नए व्यापार में, जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं कि जो भी व्यक्ति नए नए विद्यालय या इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रहे हैं शिक्षण संस्थान में, उन लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो आपके लिए जो है पूरे महीने 10 फरवरी तक संघर्ष और स्ट्रगल रहेगा पूरे महीने में। तो 10 फरवरी के बाद निश्चित तौर पर दिन में सुधार आएगा, नीच भंगराज योग का शनि का पूरा बल मिलना चालू हो जाएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर धन की बात अगर मैं करना चाहूं तो 21 फरवरी तक धन की कोई कमी नहीं रहेगी। 21 फरवरी के बाद थोड़ा सा धन में कमी आ सकता है और 12, 13, 21, 22 और 28, 29 तारीख को धन में ज्यादा विशेष कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको पूरे महीने धन के लिए थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। धन एक ऐसा चीज है कि जब हाथ से चला जाता है तो वापस नहीं आता, क्योंकि आपको मेहनत करके प्राप्त करना है। तो मैं यही बोलूंगा 21 फरवरी तक जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो कर लीजिए, 21 फरवरी के बाद पैसा को संजो करके रखिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, प्रेम संबंध और दाम्पत्य की बात करना चाहते हैं हम, तो प्रेम संबंध और लव रिलेशन और दाम्पत्य की बात करूं, पूरे महीने आपका 12 फरवरी के बाद नए विवाह के रिश्ते आएंगे। 12 फरवरी के बाद प्रेम विवाह, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि लग्न के ही मालिक वक्री हो रहे हैं। जब वक्री हो जाएगा तो माथा हो जाएगा गड़बड़, तो माथा गड़बड़ हो जाएगा तो हो जाएंगे कर्म क्षेत्र गड़बड़, और बुध होते वाणी के कारक, ज्यादा बोल दीजिएगा तो हो जाएगा रिलेशन खराब। तो पूरे महीने गुस्सा ही करना नहीं है, माथा को नियंत्रण में रखना है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, खास करके स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों का तो कैरेक्टर वगैरह जल्दी देखता है ना लोग, पुरुषों का तो नहीं देखता है, तो थोड़ा चालाकी कर लीजिएगा, दूर की बात है ये, आप समझते हैं। इसके अलावा जो है भाई बहनों से रिश्तों की बात करूं या संपत्ति की बात करूं या माता पिता से रिश्तों या रिश्तेदारों की बात करूं, 12 फरवरी के बाद जो है छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से लाभ के संजोग मिलेंगे, लेकिन 22 फरवरी के बाद चाचाओं से थोड़े मतभेद, बड़े भाई बहनों से रिश्तेदारों से जबरदस्त मतभेद के योग दिखेंगे। इस समय रहिएगा सावधान, नहीं तो हो जाएंगी गड़बड़। माता से पूरे के पूरे महीने रिश्तों में थोड़ा खटास देखने को मिलेगा, माता कुछ कुछ बोलेगी तो वाणी को रखिएगा नियंत्रण, और अगर माता से मतभेद नहीं करते हैं तो माता लाभ भी देगी, प्रॉपर्टी भी देगी, पैसे भी देगी वाहन के लिए। पूरे महीने वाहन और संपत्ति संबंधी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सावधान रहते हैं और मन को शांति रखते हैं तो संपत्ति संबंधित विवाद या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद
में लाभ मिलेंगे और संपत्ति संबंधित कुछ लाभ या वाहन के संबंधित सुख देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल यही है कि 10 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं तो 10 लाख तो नहीं लेकिन 6-7 लाख का निश्चित तौर पर संजोग बनेगा। पिता से रिश्ते पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन पिता से रिश्ता 12 फरवरी के बाद ज्यादा बेहतर होना चालू हो जाएगा। जिनको भी संतान नहीं हो रहे थे, निश्चित तौर पे 21 फरवरी के बाद संतान के योग बनेंगे। 21 फरवरी के बाद संतान की उन्नति के योग बनेंगे। 21 फरवरी के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी जबरदस्त देखने को मिलेगा। 21 फरवरी के बाद नए नौकरियों के भी अवसर जो कर्म क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है देखने को मिलेंगे। कर्ज की बात करूं और शत्रुता का, तो निश्चित तौर पे जो है 22 फरवरी से कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। कर्ज नहीं लीजिएगा, कर्ज लेना ठीक बात नहीं है, 22 फरवरी के बाद कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा क्योंकि आप कर्ज लेने को प्रेरित होंगे। लेकिन इसके साथ में कुछ लोग जो रहेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और आप जो है 22 फरवरी को कर्ज मुक्ति भी करेंगे। 22 फरवरी के बाद शत्रु भी जो है आपके आपके सामने नरमस्तक होंगे और शत्रु पे भी विजय प्राप्त करिएगा। दांपत्य जीवन में पूरे महीने अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद दांपत्य जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। नए विवाह के भी अच्छे अच्छे योग बनने को दिखेंगे। पूरे महीने आपको थोड़ा सा पेट और पैरों का कष्ट और नेत्र की समस्याएं, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद सिर दर्द और नेत्र की समस्याएं देखने को मिलेंगे और पूरे महीने पैरों में कष्ट और पेट की समस्याएं देखने को मिलेंगे। यानी आपको स्पाइसी भोजन पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और खास करके 12 फरवरी तक थायराइड और शुगर वाले को संघर्ष ज्यादा करने को योग बनते हैं, तो आपको भी इस समय ठंड से बच करके रहना चाहिए और मीठा का सेवन नहीं करना चाहिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। 12 फरवरी तक केस मुकदमा से रिलेटेड या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड किसी प्रकार के विवाद में मत फंसिएगा, नहीं तो हो जाएगी परेशानियां। 22 फरवरी के बाद फिर जो है आपको किसी प्रकार का विवाद में नहीं फंसना है और किसी प्रकार के भी प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है आपको। हालांकि 22 फरवरी से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विजय और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर लाभ भी मिलेंगे, खास करके जिनका दाम्पत्य जीवन या केस मुकदमा या डाइवोर्स के योग चल रहे थे, आपका जो है 22 फरवरी से पहले कुछ अच्छे संजोग देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे फरवरी माह में आपको करना चाहिए कौन सा उपाय। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, फरवरी माह में देखिए बुध तो खराब है, तो पूरा फरवरी माह और आपकी कुंडली में बुध लग्न के भी मालिक है, तो पूरे महीने गणेश जी को किशमिश चढ़ाइए, दुब्बी का घास चढ़ाइए। बहुत लोग नहीं समझते दुब घास, दुब्बी घास एक ही नाम है, और गणेश चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक दिन जो है गणेश जी के पैरों को छू करके प्रणाम करके घर से निकलिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे महीने हर मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन दुर्गा मंदिर में लाल गुलाब अवश्य चढ़ा दीजिएगा। बुध 12 फरवरी तक जो है आपके कुंडली में बुधादित्य योग बनाएगा, तो इस समय जो है आपको जो है मन में कॉन्फिडेंट भी बरकरार रखना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि कर्म क्षेत्रों में सफलताओं के योग बनेंगे। 22 फरवरी से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अंगारक योग भी बन जाएगा मंगल और राहु के कारण। 22 फरवरी से जो है आप मंगलवार के दिन गरीबों को बूंदिया या लड्डू का सेवन कराइए, विदेश यात्राओं के योग आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे और पूरे महीने जो है आपको क्या करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, शुक्र प्रबल होगा, लाभ के योग बनेंगे। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया, उपाय भी बताया, सावधान कैसे रहना और किस प्रकार से रहना है यह जानकारी भी थी। अब अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में आपके लिए और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यह मेरा आशीर्वाद है। कुछ बातों का बुरा लगा तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बोलता तो क्लियर ही हूं। धन्यवाद।